सर्वोत्तम ये संस्कृति सुंदर देश अपना, सर्वोत्तम ये संस्कृति सुंदर देश अपना। शांति अहिंसा सत्य की सच हुआ है सपना, जय जय भारती जय जय भारती जय जय भारती जय जय भारती। भाषा अनेक धर्म अनेक प्रीत भरी ये धरती, एकत्र भाव अभिमान और आदर्श यहीं पर मिलती। जाग गए थे आखिर गुलामी से जो जकड़े, लाख लाख आवाज उठे गोली से पीछे न हटे। बलिदानों की भूमि है शहीदों का ये वतन, स्वतंत्रता का प्रतीक है एकता का ये रतन। जय जय भारती जय जय भारती जय जय भारती जय जय भारती। बलवान बाग तो भारत की बहादुरी की है संकेत, ना डरने की स्वाभिमान की अब तो सीखो ये रीत। शेर तो आखिर शेर है सबसे निडर चौकन्ना, वीर तेज साहस को इससे हम सबको है सीखना। यार जमशेद इतने बूढ़े हो गए मगर अभी तक ये हरे लाल पीले कुर्ता नहीं जोड़ा तुमने। कर्नल सुना, लड़कों के साथ कैसी बीत रही है? भाई बहुत मजे में गुजर रही है। आपके यार बड़े दिनों के बाद आए। देखो यार मूड नहीं बना तो नहीं आए, और मूड बन गया तो चले आए। वो तो मुझे पता है तुम पहले से ही मूडी हो। थैंक यू मैडम। कर्नल ये मेरा पोता प्रकाश और पोती दीपा। ये कर्नल प्रताप सिंह जी हैं। ये वही कर्नल हैं जो शेर की पीठ पे जाकर बैठ गए थे और चीते से जा भिड़े थे, लेकिन चूहों से डरते हैं। जरूर तुमने इनको मेरे बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें बताई होंगी। नहीं बच्चों नहीं, कर्नल इज अ ब्रेव मैन। मैं बहादुर आदमी हूँ, किसी से नहीं डरता, बस कर देता हूँ। किसने? मैंने। शमशेर तुमने बच्चों को मेरे बारे में जरूर कुछ ऐसी वैसी कहानियां सुनाई होगी और बच्चों ने यकीन कर लिया होगा। तो क्या आपने शेर का शिकार नहीं किया? शेर का शिकार? बेटा मैंने शेर का शिकार तो क्या, घर में कभी
चूहा तक नहीं मारा। कर्नल देखो मेरे ही बच्चों के सामने मुझे झूठा बना रहे हैं। अपनी बोल खुलती देखकर घबरा रहे हो शमशेर? अंकल सच सच बताइए, आपने शिकार किया है क्या? नहीं मेरे बच्चों, मैं शिकार खेलने के सख्त खिलाफ रहा हूँ। कारण ये कि मेरे पिता और मेरे दादा दोनों शिकार खेलते थे, उनके किस्से भी सुनता था। मगर जब बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि ये लोग कितना बुरा काम कर रहे हैं। हाँ अंकल, ये तो शेख ही बगाड़ने वाली बात है। और नहीं तो क्या, हमने इतने शेर मारे हैं, इतने चीते मारे हैं, इतने तेंदुए मारे हैं। हाँ, ये और इन जैसे शेखी बगाड़ने वाले शिकारी ये भूल जाते हैं कि वो जंगल के जानवरों का कितना हित, कितना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान? कर्नल अंकल, जंगल में कितने जानवर होते हैं, अगर कुछ को मार दिया तो क्या हुआ? नहीं बेटे, इंसान की इसी नासमझी ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। पता है प्रकृति में चारों तरफ संतुलन बना रखा है। अब अगर शेर, बाघ, तेंदुआ, हिरन और नील गाय आदि ना खाए तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि जंगल में वो अपनी भूख नहीं मिटा पाएंगे और गांव में आकर हमारे खेत चर जाएंगे। इसी तरह अगर शेर और सिंह में लड़ाई ना हो, बाघ या शेर और तेंदुए ना लड़े तो वो बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि सबके बीच में संतुलन होना चाहिए, यही संतुलन तो प्रकृति का नियम है। अब जब लोगों ने अपनी शान दिखाने के लिए धनाधन शेर मारने शुरू किए तो जाहिर है कि उनकी संख्या कम होने लगी। भाई अब शेर जीते को कीड़े मकोड़े तो है नहीं कि लाखों की संख्या में पैदा हो जाए। इसलिए आपको शिकार खेलना ठीक नहीं लगता? हाँ, और वो बड़े लोग मेरी बात कहाँ मानते थे बेचे। फिर मैं फौज में चला गया। मेरा एक दोस्त एक पत्रिका का संपादक था, वो मुझसे मिला। उसने कहा कि कुछ कहानियां लिख कर दो। मैंने उसे अपने दादा के शिकार जीवन के कुछ रोमांचक किस्से सुनाए तो वो उछल पड़ा। कहने का बस यही कहानियां मुझे लिख कर दे दो। और आपने वो कहानियां लिख कर दे दी? बेटा मैंने तो बस एक कहानी लिख कर भेजी थी, पाठकों को पसंद आई तो बस संपादक पीछे ही पड़ गया। फिर मैंने बहुत कहानियां लिख कर भेज दी। यार कर्नल वही कहानियां मैं इनको सुनाता रहा। बस उनमें मैंने तो सिर्फ नमक मिर्च मिलाकर जरा उनको चटपटा बना दिया, यानी तिल का ताड़ बना दिया। लेकिन बच्चों, हमारे शिकारियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया शेर को, भला वो सरकार का जिसने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इससे क्या हुआ अंकल? इससे जंगलों में शिकार खेलना कानूनी अपराध घोषित किया गया। और पता है शेर के संरक्षण के लिए अभ्यारण यानी सेंचुरीज बनाई गई। हाँ कर्नल, नहीं तो ये बेरहम शिकारी तो शेर का नाम निशान तक मिटा देते। कर्नल अंकल, हमने तो सोचा था कि आपसे शिकार की कहानियां सुनेंगे, पर गलत, एकदम गलत। बेटी मैं शिकार के सख्त खिलाफ हूँ। भाई ये तो कुछ पुरानी बातें यूं ही कहानी बनाकर लिख दी थी। इसे तुम बुद्धि विलास या मेंटल रिक्रिएशन भी कह सकते हो, क्यों शमशेर? हाँ भाई कर्नल, शिकार तो तुमने कभी नहीं किया। जरा सोचो, शेर कितना खूबसूरत प्राणी है, जंगल का राजा कहलाता है। उसे देश का राष्ट्र पशु कब घोषित किया गया? बेटे जब देश गणतंत्र बना तो दूसरे राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सिंह को राष्ट्र पशु घोषित किया गया। सिंह जानते हो ना, अंग्रेजी में इसे लायन कहते हैं। हाँ अंकल, उसके गले में बड़े बड़े बाल होते हैं, आगे से जितना बड़ा होता है पीछे से उसकी कमर उतनी पतली होती है। शाबाश, एकदम ठीक बताया। तो यही सिंह अशोक स्तंभ के उस हिस्से में बने हैं जिसे भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। हाँ अंकल, दादाजी ने हमें उसके बारे में बताया है, वो सारनाथ में है। बिल्कुल ठीक, और शायद इसीलिए शुरू में ही सिंह को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया गया। बात दरअसल ये थी बच्चों कि सिंह भारत का नहीं अफ्रीका का पशु है, और दूसरे ये इसकी संख्या भी बहुत कम थी। बेटी सिंह आज भी गुजरात के गीर वनों में पाए जाते हैं। और तीसरी बात, शेर यानी बाघ जिसे अंग्रेजी में हम टाइगर कहते हैं, भारतीय होने के साथ साथ शिकारियों की गोली का निशाना इतनी बेरहमी से बन रहा था कि उसकी नस्लें खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। सुना बच्चों, इंसान अपने शौक और शान की खातिर कुदरत की एक महान देन को अनजाने में ही नष्ट कर रहा था। हाँ, और वन्य प्राणियों की रक्षा करने वाले और जीव वैज्ञानिकों ने जब 1972 में इनकी गणना की
तो हैरान रह गए। ये बात सन 1972 की है, यानी कुल 22 साल पहले की। हाँ? अंकल, तो उस समय कितने शेर थे? बेटे, उस समय हमारे देश में सिर्फ 1827 शेर बचे थे। यानी इतना विशाल देश, इतने बड़े बड़े जंगल, और उनमें शेरों की संख्या 2000 से भी कम, ये तो कोई बात ना हुई। हाँ भाई, उनकी तुलना में दूसरे जानवर ज्यादा थे। हाँ, और शेरों की संख्या कम होने का कारण ये भी था कि आजादी के बाद हमारी जनसंख्या तूफान की तरह बढ़ी। जंगल काटे गए, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया गया, कारखाने लगे। हाँ, और इस सब का नतीजा ये हुआ कि शेरों के रहने छुपने की जगह कम हो गई और वो शिकारियों की गोली का निशाना बनते चले गए। बिल्कुल ठीक। तब क्या हुआ? तब जीव विज्ञानियों, पर्यावरण विज्ञानियों और वन्य प्राणी संरक्षकों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अगर तुरंत कुछ ना किया गया तो शेर का नामोनिशान ही हमारे देश से मिट जाएगा। बाप रे, इतना नुकसान हुआ? हाँ दीपा, बिल्कुल यही हुआ। तब सबने मिलकर भारत सरकार के सामने इस वैज्ञानिक, पर्यावरण और जीव विज्ञान के खतरे को रखा, और ये भी कहा गया कि सिंह भारतीय पशु ही नहीं है, इसे तो हम अफ्रीका से मांगा कर पाल सकते हैं। पर हाँ, अगर शेर की नस्ल खत्म हो गई तो शेर देखने को भी नहीं मिलेगा। वैसे भी शेर शुद्ध भारतीय पशु है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। सरकार ने यह प्रस्ताव माना और उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। राइट कर्नल अंकल, हमने यूं तो शेर को चिड़ियाघर में देखा है, पर उसके बारे में कुछ बातें बताइए ना। शेर को चिड़ियाघर में देखा है? बेटा, शेर को देखना है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जाओ, या बांगवगढ़, शिवपुरी, रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान में जाओ, वहां शेर को मस्ती में घूमते हुए देखो, तब मजा आएगा। हाँ कर्नल, मैंने सोचा है इन बच्चों को वहां जरूर ले जाऊंगा। बच्चो, फिर भी मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि सिंह और शेर में क्या फर्क है। बेटे, सिंह है तो उसी तरह का जानवर, लेकिन ये हमारे देश का पशु नहीं है। अब शेर, चीता, लगड़बग्गा, ये सब बिल्ली नस्ल के जानवर है। क्या ये सब बिल्ली परिवार के पशु हैं? हाँ, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ये बिल्कुल सच है। लो, एक छोटी सी कहानी याद आ गई। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि बिल्ली शेर की मौसी है। हा? अच्छा, तो इसलिए बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं। भाई, एक बार बिल्ली ने शेर से कहा, भतीजे, मैं बस्ती में जा रही हूँ, तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेती आऊंगी। हा? और इतना कहकर बिल्ली गाँव में आई। वहाँ उसने कई घरों में खूब दूध मलाई मिली, उसने डट कर खाया और वापस जंगल पहुँची। पर शेर का तो भूख से बुरा हाल था। बिल्ली ने मुंह बनाकर कहा, भतीजे, गांव में तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मैं भी भूखी आ गई। पर शेर तो भूखा था, गुस्से में बोला, कुछ नहीं होता मौसी, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, और वो बिल्ली पर झपटा। पर बिल्ली तो चतुर थी, वो झट से साथ वाले पेड़ पर चढ़ गई, और शेर को तो चढ़ना नहीं आता था, तो वह खिसी आ गया और बिल्ली से कहा, मौसी, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया पर पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। बिल्ली बोली, हाँ बेटे, आखिर मैं तेरी मौसी हूँ, अगर ये भी सिखा देती तो आज तू मुझे मार डालता, मैं बेवकूफ नहीं जैसे तू है। फिर भी अंकल, शेर तो जंगल का राजा ही कहलाता है। इसमें क्या शक है? भाई, शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है बच्चों, तो इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। मगर फिर भी मैं तुम्हें सिंह और शेर के बीच में जो फर्क है वो बताता हूँ। भाई, दोनों में शक्ल से ही फर्क है, लेकिन जो शेर है उसकी पूंछ एकदम बिल्ली जैसी होती है, लेकिन सिंह की पूंछ पतली होती है और उसके अंत में बालों का गुच्छा होता है, और सिंह के गले में बाल होते हैं, या अयाल या केसर, इसलिए वो केसरी कहलाता है। That's it. भाई, वो सामने से दिखने में बहुत खूबसूरत मालूम होता है, मगर ताकत और क्रोध के मामले में और मर बैठने के मामले में वो शेर से पीछे रहता है। देखो बच्चों, अब अगर एक ही उम्र के शेर और सिंह में कुश्ती करवाई जाए ना, तो शेर सिंह को पछाड़ देता है। दरअसल सिंह का सामने का हिस्सा जितना ताकतवर होता है उतनी ही उसकी कमर कमजोर होती है। अगर कभी सिंह और शेर में लड़ाई हो
तो शेर सिंह को चीर कर रख देता है। क्यों हुआ ना शेर ताकतवर जानवर? तब तो कर्नल अंकल शेर को ही भारत का राष्ट्र पशु कहना ठीक था। हाँ बेटी, भाई एक जवान और तंदुरुस्त शेर की लंबाई 5 से 6 फुट तक होती है। किसी जमाने में तो शेर की लंबाई 12-12 फुट हुआ करती थी, लेकिन शिकारियों ने उनकी नस्ल खत्म कर दी। भाई शेरनी 2 वर्ष में 1 बार 2 से लेकर 6 बच्चों को जन्म देती है। अब इससे तुम सोच ही सकते हो कि शेरों की संख्या में बढ़ोतरी कितनी धीमी गति से होती है, और अगर उनको मारने की रफ्तार कम ना हुई तो इससे तो उनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। हाँ ये तो है अंकल। हाँ बेटे, एक बात और, शेर बहुत ही शर्मीला और शांत जानवर है। उसे एकांत बहुत पसंद है। वो घने जंगल में कहीं भी अपना ठिकाना बनाकर पड़ा रहता है। उसका रंग बादामी होता है और बदन पर काले रंग की धारियां होती है। पर मैंने तो सफेद शेर भी देखा है। हाँ वो भी है, कई चिड़ियाघरों में सफेद शेर होते हैं। तो शेरों की घटती संख्या को देखते हुए शेरों की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया, और इसीलिए सन 1972 में शेर बचाओ आंदोलन यानी प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर योजना में क्या किया गया? इस योजना का उद्देश्य ये था कि शेरों की रक्षा की जाए और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इस काम के लिए पंचवर्षीय योजना में धन का प्रावधान भी किया गया और विश्व वन्य प्राणी कोष से $10 लाख की धनराशि भी प्राप्त हुई। इससे जो काम हुआ उससे हमारे देश में शेरों की नस्ल खत्म होने से बच गई, और साथ ही साथ हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अभयारण्यों में शेर को मुक्त जीवन जीने के अवसर भी प्रदान किए गए और उसके शिकार पर रोक भी लगा दी गई। कर्नल अंकल, हमारे देश के किन किन प्रांतों के जंगलों में राष्ट्र पशु शेर पाया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटे, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के अधिकांश जंगलों में शेर पाया जाता है। कर्नल सच तो ये है कि शेर हमारे देश का बड़ा पुराना वन्य प्राणी है। यस, और इसकी चर्चा हमारे प्राचीन कथाओं में और संस्कृत साहित्य में भी आती है। इसे वहाँ व्याघ्र कहा जाता है। ये हमारे देश के अधिकांश प्रांतों में जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, राजस्थान और असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में शेर पाए जाते हैं। और जब से इसे संरक्षण मिला है तब से इसकी तादाद बराबर बढ़ी है, और सबसे खुशी की बात तो यह है बेटा कि लोग समझ गए हैं कि हमें शेर का शिकार नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और जो राष्ट्र पशु है उसे तो वैसा ही सम्मान भी मिलना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा सम्मान ये है कि उसकी रक्षा की जाए और उसका शिकार ना किया जाए। बेटे अब तो तुम मान गए कि तुम्हारे कर्नल अंकल शेर की तरह बहादुर है। क्यों जमते हैं? क्यों कर्नल, अब बच्चों से रिश्वत ले ले लगे? आपको याद है शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। जंगलों में इनका शिकार करना कानूनी अपराध है। इनके चित्र अशोक स्तंभ पर भी खुदे हैं जिसे भारत ने राष्ट्र चिन्ह घोषित किया है। शेर विशुद्ध रूप से भारतीय नस्ल का पशु है। एक जवान और तंदुरुस्त शेर की लंबाई सर से पूंछ तक 5 से 6 फीट की होती है। '72 से शेर बचाओ आंदोलन को प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है।
शेर बहुत शांत और शर्मीला जानवर है। आक्रमण के समय खूंखार हो जाता है। उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। शेर सभी राज्यों के घने जंगलों में मिलते हैं। शेर बिल्ली जाति की नस्ल है, इसलिए बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। शेर सिंह से अलग होता है क्योंकि इसके गर्दन पर बाल के गुच्छे नहीं होते।